हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, हाइड्रोजन को हटा देते हैं। अच्छा, जो मेटल ने डाइल्यूट एसिड को हटाया तो साथ में बनता क्या, मेटल सॉल्ट बन जाता है प्लस हाइड्रोजन बन जाता है। तो आप ये देखिएगा कि ये होगा हमारे पास मेटल सीधे रिएक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स टू HCl। तो पहले सोडियम मेटल का देखते हैं। एल्यूमिनियम शुरुआत में बड़ा धीरे धीरे धीमा रिएक्शन करता है इसके साथ, इसके डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बड़ा धीमा रिएक्शन करता है। रीज़न क्या है कि एल्यूमिनियम के ऊपर एक एल्यूमिनियम के ना ऑक्साइड की लेयर जमा होती है। तो क्या है कि जब HCl जो है वो HCl पहले क्या करता है, वो HCl पहले उस एल्यूमिनियम के ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर है पहले उसके साथ रिएक्ट करके उसको रिमूव करता है। जब वो रिमूव हो जाती है लेयर तब फ्रेश एल्यूमिनियम नीचे से निकल कर आता है, फिर वो फ्रेश एल्यूमिनियम के साथ फिर वो रैपिडली कर जाता है। ठीक है, तो वही है कि एल्यूमिनियम मेटल एट फर्स्ट रिएक्ट स्लोली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ टफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सर्फेस, बट व्हेन द थिन आउटर ऑक्साइड लेयर गेट्स डिसॉल्वड इन एसिड, जब बाहर की जो ऑक्साइड लेयर है वो एसिड में डिसॉल्व हो जाती है, देन फ्रेश एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सपोज्ड व्हिच रिएक्ट्स रैपिडली विद डाइल्यूट HCl। तो फ्रेश एल्यूमिनियम मेटल जो है वो एक्सपोज हो जाता है, और जैसे ही वो बाहर एक्सपोज होता है तो तब दैट फ्रेश एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सपोज विच रिएक्ट रैपिडली विद डाइल्यूट HCl। तो फ्रेश एल्यूमिनियम मेटल HCl के साथ में रैपिडली रिएक्ट करता है। तो देखिए क्या है, एल्यूमिनियम का भी रिएक्शन हमको HCl के साथ वैसे ही दिखाना जैसे बाकी दोनों का आपने देखा, वैलेंसी हमको पता होनी चाहिए। तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे क्वेश्चन कई बार ऐसे बन जाता है कि हाउ डज एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद अ डाइल्यूट एसिड, है ना। तो उसमें आपको ये शुरुआत वाली लाइन जरूर लिखनी है कि एल्यूमिनियम इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करता शुरुआत में, क्योंकि उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर जमा होती है, तो उसके साथ पहले वो रिएक्ट करके उसको रिमूव करता है, तो वो लिखना है। उसके बाद का रिएक्शन ये आप लिखेंगे, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3+, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1+, क्लोरीन की वैलेंसी 1-। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बन जाएगा AlCl3। एल्यूमिनियम का 3 क्लोरीन के साथ चला गया, क्लोरीन के 1 एल्यूमिनियम के साथ आ गया, फिर इधर आ गया H2। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर हाइड्रोजन का 1 है इधर 2 है, इधर तो 2 जलाना पड़ेगा। अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन का इधर 2 हो गया इधर 3 है, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगाओ 2,
फ्लोरीन का कितना हो गया, बट 3 × 6 यहाँ पर 6 लगाइए। अब हाइड्रोजन का 6 हो गया, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगाइए। इधर एल्यूमिनियम का बन गया 2 और इधर 2 लगा दो, बैलेंस सही है। अगला देखेंगे जिंक। जिंक तो जिंक का क्या है कि जिंक जो है वो भी एल्यूमिनियम की तरह ही ऐसे रिएक्ट करेगा, हालांकि इस पर कोई लेयर नहीं होगी। ये बन जाएगा सडन सी एल टू, क्योंकि जिंक की करेंसी 2+ होती है क्लोरीन के साथ में, सडन सी एल टू। हाइड्रोजन का भी इधर दो, क्लोरीन का भी इधर दो, बस तो इधर 2 लगा दीजिए बैलेंस, ठीक है। चलिए जी, तो सडन सी एल टू प्लस एच टू, दिस रिएक्शन इज लेस रैपिड देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में ये वाला रिएक्शन थोड़ा धीमा है, लेस रैपिड है। आयरन मेटल, तो आयरन का जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्शन होगा HCl2 ठीक। कॉपर मेटल तो एक नंबर 12 पर आ जाइए। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, ठीक है, समझ गया क्यों? क्योंकि अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करेंगे तो जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के नीचे लाइक करता है, तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। तो कॉपर HCl नो रिएक्शन। कॉपर एंड सिल्वर आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, copper and silver are less reactive than hydrogen, that's why they do not replace hydrogen from dilute acids. Copper and silver are less reactive than hydrogen, that's why they do not replace hydrogen from dilute acids. So copper or silver reactivity series mein hydrogen se niche apply karte hain, to wo kisi bhi dilute acid mein se hydrogen ko replace jo hai wo kar hi nahi payenge, samajh gaye? Kya gold to kisi ke bhi saath nahi karta, ठीक है। आगे देखते हैं, लेट अस सी द रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स विद H2SO4। तो ये आप देखिएगा कि अभी ये सभी मेटल्स आ रहे हैं H2SO4 के साथ, जैसे सबका HCl के साथ देखा रिएक्शन, ऐसे सबका अगर H2SO4 के साथ देखें तो क्या होगा? अरे सोडियम का देखिए, Na+H2SO4 ना, बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो हाइड्रोजन है इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1+ और SO4 यानी कि सल्फेट की वैलेंसी 2-, ये होता है। तो सोडियम इसके साथ में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम की वैलेंसी होती है 1+, ये हो जाएगा Na+SO4+H2। बैलेंस करेंगे इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, SO4 इधर भी एक है, इधर भी एक है, सोडियम का 2 है, बस इधर 2 लगा दिया। ये सोडियम हुआ, इसी तरह से मैग्नीशियम, इसका हो गया MgSO4, क्योंकि मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2 है और SO4 की वैलेंसी भी 2 है, तो 2 × 2 से 2 कट जाएगा। एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 Al, आज लगी नहीं रहा आपके बैच को पढ़ा रहा हूँ, बड़ी शांति से सब ठीक है, तबीयत तबीयत ठीक है सबकी, इसका तो समझ में आता बेचारे का रिजल्ट आया, समझ में आता तुम्हारा भी रिजल्ट आएगा।
अच्छा नहीं, ये तो तब से तो दक्ष के जाने के बाद से बेचारा जो है ना, ये तो गमगीन हो गया है। सब ठीक तो है तुम्हारे साथ, दोनों के साथ? बाकी तो इतनी शांति शांति रहती।
जब भी कभी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, नाइट्रिक एसिड अलग तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, एज सून एज द हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म इन द रिएक्शन बिटवीन अ मेटल एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, द नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस दिस हाइड्रोजन टू वाटर। तो होता क्या है कि जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलती है नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करने के बाद, सॉरी है बीच बीच में, ठीक है, तो इसकी गर्दन पिड़क रही है इसीलिए चेहरे को संभाल के बैठी है ऐसे। वो भी ऐसी, वो सहेली भी ऐसी बैठी हुई है, उसको भी नहीं पता। चलो ये बात अच्छी है। मोबाइल फोन किसका है? तुम्हारा ही है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, सुधर रहे बच्चे धीरे धीरे। चलिए जी, तो देखो इसमें क्या है, वो उसका वो पेंसिल रखने वाली वो किट देख लो उसकी, क्या फैंसी एकदम चमचमाती हुई किट। ये ठीक है। चलिए जी, ऐसा नहीं है हाइड्रोजन गैस से फॉर्म होता है रिएक्शन, तो नाइट्रिक एसिड में भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3, तो उसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस तुरंत वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये अलग चीज़ होती है इस वाले रिएक्शन। वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हाउएवर रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड मैंगनीज मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो एक तो ये ऊपर वाली लाइन याद रखना कि मैंने मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड दैन हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। नॉट इवॉल्व का मतलब ये है कि हमें हाइड्रोजन गैस मिलती नहीं है, एक्चुअली इवॉल्व तो होती है, लेकिन क्या है देखिए, एज सून एज द हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म इन द रिएक्शन बिटवीन अ मेटल एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, द नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस दिस हाइड्रोजन टू वाटर। तो जो नाइट्रिक एसिड है वो इसी हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन और जोड़ देता है और वो उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है, तो इसलिए ओपनली हमको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती। लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया जाए, तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करने पर हमको दो मेटल्स ऐसे हैं जैसे मैग्नीशियम हो गया और मैंगनीज हो गया, तो वहाँ पर हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है। हाँ, मैग्नीशियम अलग है, मैंगनीज अलग है। मैंगनीज का फॉर्मूला सिंबल होता है MN, मैग्नीशियम का होता है MG। चलो जी, MgNO3 होल्ड वाइज प्लस H2, तो यहाँ पर हो जाता है एक तो ये रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ में और एक मैंगनीज के साथ हो जाता है, तो मैंगनीज MN। तो दो ही रिएक्शन आएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये सारे रिएक्शन है, HCl के साथ ये सारे रिएक्शन है। ठीक है, हम आगे देखिएगा, नेक्स्ट आइए पेज नंबर 13 पर, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स वही जो चैप्टर मतलब आपने देख लीजिए सेम वही है। उसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन है कि वॉट इज एक्वा रीजिया, कि ये एक्वा रीजिया जो है ये क्या होता है, वॉट इज एक्वा रीजिया बताओ बताओ क्या, लेकिन बनता कैसे है,
और बाकी थ्री थ्री पार्ट ले रहे हैं दोनों के हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इसका नाइट्रिक एसिड का लेना होता है और थ्री पार्ट लेने होते हैं नाइट्रिक एसिड का अच्छा ये वन पार्ट और थ्री पार्ट का मतलब क्या है वन पार्ट और थ्री पार्ट का मतलब ये है कि अगर आप 1 ml ले रहे हैं ना नाइट्रिक एसिड तो आपको 3 ml लेना पड़ेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है और फिर ये इतना भयानक एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है जो बड़े मतलब टफ से टफ मेटल को भी डिसॉल्व कर देता है ये मेटल है क्या ये हाथ मेटल है ये मेटल है क्या ये बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल थिंग का बना हुआ है तो और सॉफ्ट है तो खत्म ही हो जाएगा फिर उसके बाद वो फोटो डालना इंस्टा पर और फेसबुक पर के कभी कभी हाथ कभी एक जमाने में हाथ हुआ करता था फिर मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी चलिए जी तो एक्वारीजिया कैन डिसॉल्व ऑल मेटल्स एग्जांपल एक्वारीजिया कैन डिसॉल्व इवन गोल्ड एंड प्लैटिनम मेटल्स दो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलोन कैन नॉट डिसॉल्व गोल्ड और प्लैटिनम मेटल्स तो कंसंट्रेटेड HNO3 ले लो नाइट्रिक एसिड या कंसंट्रेटेड HCl ले लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये अकेले कुछ नहीं कर सकते ठीक है लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन तैयार कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाएगा बिटवीन कॉपर एंड सोडियम विच मेटल इज मोर रिएक्टिव एक्सप्लेन विद रीजंस तो जैसे मान लीजिए ये है ना हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है तो ये मत कह देना नहीं कि सोडियम ऊपर लाई करता है तो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर नीचे लाई करता है तो कम रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज वाला रीजन मत दे देना हमारे पास बस जो हमने अभी तक 3-4 प्रॉपर्टीज मेटल्स की देखी उनमें से कोई दो प्रॉपर्टी डाल दो है ना और मैंशन कर दीजिए जैसे सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर बिकॉज पहला रीजन सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इजीली टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड बट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इजीली तो ज़्यादा आसानी से रिएक्ट कर जाता तो ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन था फिर हमने सेकंड वाला क्या करा था हाँ सेकंड में वाटर वाला एग्जांपल डाल दीजिए भाई दो प्रॉपर्टी पहली वाटर वाली पहली ऑक्सीजन वाली की दूसरी वाटर वाली तो सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद कोल्ड वाटर हमने देखा था वो ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाता है और कॉपर क्या है ना बट कॉपर डज नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम स्टीम में डाल दो तब भी वो कॉपर रिएक्ट ही नहीं करता है हाँ हो गया बैलेंस रखो आराम से तो कह रहा है सेंटर ऑफ मास अभी बताओ ना सेंटर ऑफ मास मैंने ही करवा दूँ ठीक है ना देख लो देख तुम दोनों का सेंटर ऑफ मास यही बैठा बीच में कुछ सेंटर इधर ध्यान दे लो कुछ भी बात करो उधर ही गर्दन घूम जाती बस चलिए जी सोडियम रिएक्ट्स रैपिडली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन बट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉपर रिएक्ट करता ही ठीक है तो आपने तीन प्रॉपर्टीज जो हमने करी थी उन्हीं में से वो तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पर डाल दी देखिएगा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस मेटल्स का रिएक्शन देखेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ तो ये देखिएगा कैसे व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज पुट इन द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अ लेस रिएक्टिव मेटल देन द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन तो ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला फंडा यहाँ पर बनेगा रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर यूज करनी कि अगर हमारा मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में जो मेटल वाला पार्ट है सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है ना जैसे ये ZnSO4 है तो हम ये कहेंगे कि ये सॉल्ट है और इसमें मेटल वाला पार्ट क्या जिंक है तो अगर मैग्नीशियम का जिंक के साथ में रिएक्शन मैग्नीशियम का ZnSO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो मैग्नीशियम क्योंकि जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद बैठ जाएगा यहाँ पर MgSO4 और जिंक को हटा देगा ठीक है तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस तो देखिए एग्जांपल देखते हैं पहले CuSO4 प्लस जिंक का
रिएक्शन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस, तो CuSO4 प्लस जिंक मतलब अगर उल्टा कर दिया जाए कि जिंक ZnSO4 कर दिया जाए और उल्टा कॉपर कर दिया जाए तो कॉपर लेस रिएक्टिव है तो वो उसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। अच्छा जी अगला देखते हैं, इफ यू पुट सिल्वर मेटल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इवन देन नो रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, तो सिल्वर भी कॉपर से कम रिएक्टिव है तो तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस Fe, ये रिएक्शन जितने भी है ना इनको लर्न कर लेना। Fe कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, बेचारे कॉपर से तो ज्यादा सारे रिएक्टिव है, कॉपर तो हर कोई डिस्प्लेस कर देता है। AgNO3 प्लस कॉपर, यहाँ पर क्या है कि कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है। NO3 की वैलेंसी 1 माइनस होती है, कॉपर की 2 प्लस होती है, तो 2 इधर आ गई। CuNO3 वाइस प्लस Ag, इनको उल्टा बोल रहे हैं कि इफ हाउएवर वी प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ सिल्वर मेटल, यानी कि सिल्वर प्लस CuNO3 अगर कर दिया जाए देन नो रिएक्शन अकर्स बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। बस एक मिनट वेट करिए, अभी आते हैं आगे के क्वेश्चंस करते हैं। सही है।
तुमने पार्टिसिपेट किया है? चलो जी अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसको इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अरे बस बहुत हो गया यार, इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट अ कॉपर प्लेट वाज डिप्ड। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में एक कॉपर की प्लेट को डिप कर दिया जाता है, जैसे खाने की जो थाली होती है उस तरीके की कॉपर की प्लेट डिप कर दिया। आफ्टर सम टाइम सिल्वर फ्रॉम द सॉल्यूशन वाज डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर प्लेट। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो कॉपर की प्लेट है, कॉपर की प्लेट पर थोड़ा 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 चांदी का जैसे पाउडर गिर गया हो ऐसा लगता है। विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, कॉपर और सिल्वर? इस क्वेश्चन को क्या पता कि हमको रिएक्टिविटी सीरीज अंदर रख रखी है, तो कॉपर तो ज़्यादा रिएक्टिव है। ये पूछ रहे हैं हमसे कि विच इज मोर रिएक्टिव, तो हम तो पहले ये लिख ही देंगे कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ठीक है, वी नो दैट अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। हियर कॉपर मेटल इज डिस्प्लेसिंग सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विच देन गेट्स डिपॉजिटेड ऑन कॉपर प्लेट। तो डिस्प्लेस करने का मतलब क्या होता है, हटा देना। तो कॉपर क्योंकि सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर ने सिल्वर को हटा दिया, वो हटकर जाएगी कहाँ, कॉपर की प्लेट पर डिपॉजिट हो गई, थोड़ी बहुत सॉल्यूशन में पड़ी रह जाएगी, बाकी कुछ उसमें डिपॉजिट हो गई। तो जैसे हमने कॉपर की प्लेट को उसमें डिप करा था वो थोड़ी बहुत उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, मैंने कहा फिर कहा बहुत चांदी आ गई, चांदी ही चांदी हो गई तुम्हारी। देयरफॉर कॉपर मेटल इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर मेटल। ठीक है आगे चलते हैं। अलग अलग टाइप की वैरायटी अभी ये बस इतनी सी थी और अलग अलग तरीके की हंसी हंसता है। एक दो बार तो मुझे वहाँ पर भी आवाज में उधर बैठा पानी पी रहा हूँ है ना, तो मुझे उधर भी बड़ी अजीब सी हंसी। एक हमारा फ्रेंड था जो हंसता था तो हमें बात भी नहीं पता होती थी, हम सब हंसना शुरू कर देते थे क्योंकि हंसते हंसते क्या होता था कि उसकी जीभ बाहर आ जाती थी और जीभ में ऐसे कर्व बन जाता था अंदर, ऐसे मतलब मैं कर ही नहीं सकता, कर्व हो जाती थी, गहरा गड्ढा बन जाता था जीभ में। हमें कहते थे कर क्या रहा है भाई तू, और मुँह पूरा खोल के हंसता था तो पूरी जीभ भी दिखाई देती, उसके अंदर गड्ढा पड़ गया जीभ के अंदर ऐसे हो जाता था। द सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 वाज कैप्ड इन एन आयरन पॉट। अब सुनिए, लोहे का मटका है, आयरन पॉट है, तो इसका मतलब किसका बना हुआ है, Fe, उसके अंदर हमने CuSO4 डाल दिया, तो Fe का रिएक्शन CuSO4 आ गया, Fe का रिएक्शन CuSO4 से हुआ, वो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करना शुरू करेगा। अच्छा तो आयरन है कहाँ, डिस्प्लेस कैसे करेगा, क्या आयरन की रॉड पड़ी हुई है उसके अंदर, हमने कहा नहीं, वो आयरन कहाँ पर है, लोहे का मटका है। रे क्या हो गया, सारे ज्ञान की आज ही प्राप्ति हो गई क्या, ये देखो हंसते हंसते ऐसे मुंह छुपा लेगा, शर्माएगा जैसे पता नहीं क्या होगा। हमारे सिखाओ भाई ये भी थोड़ा सा, ये हंसो तो थोड़ा आराम से धीमे धीमे। चलिए तो आयरन तो है नहीं ना, आयरन का पॉट है यानी कि लोहे का मटका है और उसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट को डाल दिया, तो आयरन खुला तो कहीं पर अवेलेबल नहीं है, तो अब आयरन है और कॉपर है तो आयरन तो रिएक्टिव है, आयरन कहेगा मेरे को तो कॉपर मिल गया तो कॉपर को डिस्प्लेस करूँगा। ठीक है तो आयरन कहाँ से निकलेगा, जो मटका है मटके की जो सरफेस है उसी में से आयरन टूट कर कॉपर को डिस्प्लेस करने जाएगा। ठीक है अब वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो कॉपर तो टूट कर अलग होना शुरू होगा और आयरन कहाँ जुड़ जाएगा, FeSO4 बना देगा। तो आयरन जहाँ जहाँ से मटकी में से जहाँ जहाँ से आयरन टूट कर निकला, ठीक है वहाँ पर छेद होगा छोटे छोटे, तो वही चीज़ है। देखिए
we know that iron metal is more reactive than copper metal. So when a solution of copper sulfate was kept in an iron pot, then iron, being more reactive, displaced copper of copper sulfate solution to form copper metal and iron sulfate solution. Reaction वापस से यही वाला लिख दिया, CuSO4 plus Fe, यही वाला reaction. ठीक है, उसके बाद देखिएगा, since the iron metal taking part in the displacement reaction is being taken from the iron pot, क्योंकि वो जो iron metal है वो कहाँ से लिया जा रहा है, वो iron pot में से ही तो लिया जा रहा है. So holes are formed at those places in the iron pot from where iron metal has dissolved to form iron second sulfate solution. तो जिस जिस जगह से आयरन निकल कर आया और कॉपर को डिस्प्लेस करता गया, है ना, वहाँ वहाँ पर ही होल हो गए, क्योंकि आयरन निकल गया ना, कॉपर आयरन का पॉट है, उसी में से आयरन निकाल दो आप तो होल्स हो जाएंगे ना वहाँ पर. अच्छा जी, उसके बाद हाँ ये सही है, आयरन मैन को उठाकर डिप कर दो उसके अंदर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर. बेटा अभी देखते रहते हैं. हाँ अच्छा अच्छा, आयरन पॉट बनाया ही कुछ. अच्छा मेरे को तो वो याद ही नहीं. अरे नहीं, आयरन पॉट. अच्छा आयरन पॉट, अच्छा हाँ, ये पुराने जमाने की बात है, अब तो प्रेशर कुकर्स आ गए, लेकिन पहले जब पहले तो लोहे के बर्तनों में खाना बनता था. तो लोहे के बर्तन में जो खाना बनता है, पता है आपको, मालूम है मिट्टी के बर्तनों में भी खाना बनता है, अलग स्वाद होता है उसका खाने का, कुछ अलग स्वाद होता है. चूल्हे की रोटी खाई है, बड़ी अच्छी लगती है. अब एक्चुअली अब जैसे हम शहरों में रह रहे हैं, है ना, तो अब एक्चुअली NGT की गाइडलाइंस आ रखी हैं, चूल्हा जलाना अलाउड नहीं है. तंदूर धीरे धीरे हटा दिए जाएंगे, रेस्टोरेंट में भी तंदूर धीरे धीरे हटा दिए जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि पॉल्यूशन बहुत होता है उसमें, कोयले से जलाते हैं ना उसको, पॉल्यूशन बहुत होता है. Since the iron metal taking part in the displacement reaction is being, अच्छा सॉरी, what do you observe when zinc is added to a solution of iron second sulfate solution? तो आप ये देखिए कि iron second sulfate यानी कि zinc का reaction अगर FeSO4 के साथ करा दिया जाए तो क्या होगा? ZnSO4 plus Fe, ठीक है, तो ZnSO4 plus Fe ये हो जाता है रिएक्शन हमारा, क्योंकि जो जिंक है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव. तो इन्होंने बोला राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ऑन, लिख दिया केमिकल रिएक्शन. अगला देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. ये अब आप ही बताना मेरे को, चार हैं हमारे पास पेयर्स. पहला है NaCl एंड कॉपर मेटल, NaCl एंड कॉपर मेटल, तो डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि कॉपर मेटल अकेला है, वो Na को हटा नहीं सकता, ठीक है, नहीं होगा. बी MgCl2 एंड एल्यूमिनियम, बताओ क्या एल्यूमिनियम Mg से ज़्यादा रिएक्टिव है? नहीं है तो नहीं होगा. FeSO4 एंड सिल्वर मेटल, क्या सिल्वर आयरन से ज़्यादा, क्या मजा आ गया. अरे फोर्थ वाला देखना, AgNO3 एंड कॉपर मेटल, सर हो जाएगा, हो जाएगा. ये पता है क्या है कि इनमें क्वेश्चंस ना डायरेक्टली नहीं आते, तो चाहे आप अरिहंत की एक ऑल इन वन आती है ये चैप्टर करने के बाद में ना, तो वो आप करना, वो करने के बाद में ना उसके क्वेश्चंस, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा. अगर मान लीजिए सिर्फ ये नोट्स लर्न कर रहे हैं, क्वेश्चन जरूर पता होने चाहिए. कई बार क्या है, यही क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन, और ये बस रोना शुरू हुआ, यार ये तो मैंने पढ़ा ही इसलिए बस में. तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तब समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, समझ गए. चलिए जी, अगले पेज पर है, चलो फिर कल करते हैं ये वाले क्वेश्चन, आज इतना ही करते हैं, ठीक है.